नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, कमेंट वाली सीरीज काफी बढ़िया हमारे चैनल पर चल रही है और आप लोग भी काफी बढ़िया बढ़िया कमेंट्स हमारे चैनल पर कर रहे हैं और यहाँ अपना एक एक डाउट या पोर्टफोलियो हमें शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आपके क्वेश्चन का मैं जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं और आपका एक एक डाउट मैं यहाँ पर काफी आसान और सरल भाषा में क्लियर कर सकूं। बाकी दोस्तों, बात करते हैं आज की इस वीडियो में अपने चैनल पर आए हुए कमेंट के बारे में। देखिए, उन सज्जन जी का कहना है कि वो एक SIP का अमाउंट अपना प्रति महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कितना अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया। फिर भी उन्होंने हमें यहाँ पर दो म्यूचुअल फंड्स बताए हैं जिनमें कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा बेहतर उनके लिए फंड साबित हो सकता है और क्या अगर वो दोनों ही फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में कितनी बढ़िया वो यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पोर्टफोलियो को या इस इन्वेस्टमेंट प्लान को आप अपने पोर्टफोलियो या अपने इन्वेस्टमेंट प्लान से भी जोड़कर देख सकते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन फंड्स की मदद ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा पहला फंड रहेगा वो यहां पर रहेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर इस फंड के थोड़े एनालिसिस के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसके फंड साइज के बारे में, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 13,002 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.77% का। देखिए, वैल्यू रिसर्च रेटिंग के हिसाब से बात करें तो ये फंड हमें 3-स्टार रेटिंग वाला यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें इस फंड की होल्डिंग्स की तो देखिए, जो यहां पर हमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में देखने को मिलता है, जो कि रहेगा 76.94% का। वहीं दोस्तों, अगर बात करें लार्ज कैप की तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 19.26% का। अगर दोस्तों बात करें यहां पर मिड कैप की तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा 1.65% का। देखिए दोस्तों, अगर यहां पर बात करें इस फंड के एक ऑल ओवर रिटर्न्स के बारे में, देखिए मैं यहां पर 3 ईयर या 5 ईयर रिटर्न्स की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर इस फंड के एक ऑल ओवर रिटर्न्स लेकर चलूंगा। अगर हम यहां पर इस फंड के एक ऑल ओवर रिटर्न्स की बात करें तो वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं 19.32%। देखिए, काफी बढ़िया हमें यहां पर इस फंड के एक ऑल ओवर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, हालांकि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे मिड कैप कैटेगरी फंड से या लार्ज कैप कैटेगरी फंड से तो यहाँ पर आपको रिस्क जो है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो रिटर्न्स है वो भी इन्हीं इस कैटेगरी में ज्यादा बढ़िया और बेहतर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं अपने दूसरे फंड के बारे में, जो कि हमारा रहेगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। हालांकि आपको इस कैटेगरी में रिस्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन देखिए, अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, उन्हें सेविंग अकाउंट से निकालकर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क अगर ले सकते हैं तो यहां पर आपको अपने पैसे ग्रो करने का एक अच्छा मौका मिलता है। देखिए दोस्तों, आपको सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4-5% का मिलेगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो आज के समय में 6-7% का चल रहा है। तो अगर आप महंगाई दर को या इन्फ्लेशन रेट को बीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने पैसे को सेविंग अकाउंट से निकालकर आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही होगा अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। बाकी अगर बात करें अपने दूसरे फंड के एनालिसिस के बारे में तो देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर फंड साइज की बात करें तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 43,816 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें, देखिए, अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.67% का। अगर बात करें वैल्यू रिसर्च रेटिंग के हिसाब से तो ये फंड हमें 4-स्टार रेटिंग वाला यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें इस फंड के भी होल्डिंग्स के बारे में तो देखिए, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो हमें स्मॉल कैप में देखने को मिलता है, जो कि रहेगा 68.17% का। वहीं अगर बात करें मिड कैप की तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है 16.92% का। अगर बात करें लार्ज कैप की तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है 11.33% का।
अगर दोस्तों बात करें इस फंड के भी ऑल ओवर रिटर्न्स के बारे में, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 27.18% के। देखिए दोस्तों, ये था इन दोनों ही फंड्स का पूरा एक ओवरव्यू। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूं फंड साइज की, तो देखिए किसी भी फंड का फंड साइज हमें ये बताता है कि लोगों द्वारा अभी तक उस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो देखिए किसी भी फंड मैनेजर द्वारा उस फंड को मैनेज करने के लिए एक एनुअली मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। ये जितना कम रहेगा उतना फायदा आप लोगों को होगा। वहीं दोस्तों देखिए, सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जिन कंपनीज की रैंकिंग 1 से लेके 100 तक होती है, वो सभी जो है लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, और जिन कंपनीज की रैंकिंग 101 से लेके 250 तक होती है, वो सभी जो है मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, और जिन कंपनीज की रैंकिंग 251 से लेके 500 तक होती है, वो सभी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों ये था इन दोनों ही फंड्स का पूरा एक ओवरव्यू। अब एक कैलकुलेटर के माध्यम से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप इन फंड्स में अपनी SIP को शुरू करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए कितनी बढ़िया वेल्थ यहाँ से क्रिएट हो सकती है। तो देखिए हम यहाँ पर एक सर्टेन SIP अमाउंट लेकर चलते हैं जो कि हमारा रहेगा 2000 रुपए का। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स की। तो देखिए हम यहाँ पर इन दोनों ही फंड्स के एक एवरेज रिटर्न लेकर चलेंगे, और वो भी मैं यहाँ पर थोड़े कम ही लेकर चलूंगा। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे भी ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। पास्ट के रिटर्न्स हमें कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देते, इसीलिए मैं यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े कम ही लेकर चलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अपने ड्यूरेशन के बारे में। तो देखिए पहली ड्यूरेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 15 ईयर्स की। तो इन 15 सालों में जो यहाँ पर आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्ट होगा 3.6 लाख का, और फाइनल अमाउंट जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 20.41 लाख का। अगर बात करें दूसरी ड्यूरेशन की, मान लीजिए ड्यूरेशन आप यहाँ पर 20 ईयर्स की कर लें, तो जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा इन 20 सालों में, वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 4.8 लाख का, और जो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 54.39 लाख। अगर बात करें अपनी तीसरी ड्यूरेशन की, मान लीजिए तीसरी ड्यूरेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 25 ईयर्स की, तो जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो इन्वेस्ट होगा 6 लाख रुपए का, और जो फाइनल अमाउंट आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी 1.42 crore, 1,40,000 रुपए से भी ज्यादा अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यही खासियत होती है कंपाउंडिंग की, और यही ताकत होती है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की। अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में एक बैलेंस वे में रिटर्न्स भी नजर आते हैं, और एक अच्छा अमाउंट आप अपने भविष्य के लिए भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई होगी, वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आपके लिए बनाई गई है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एडवाइस ये वीडियो नहीं देता है। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।